तो दोस्तों, मैं वैभव आपका ओरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज IHP का प्रैक्टिकल नंबर 16 देखना है, कंस्ट्रक्ट एंड एक्चुएट न्यूमेटिक सर्किट फॉर द गिवन लॉजिक फंक्शन एंड और लॉजिक, और उसके साथ टाइम डिले भी है। लेकिन हमारे पास जो ट्रेनर किट है उसमें टाइम डिले का वॉल नहीं है, इसलिए खाली मैं आज आपको एंड और लॉजिक कैसे परफॉर्म करते हैं वो ट्रेनर किट पर दिखाऊंगा। उसके पहले मैं आपका थ्योरी कवर करूंगा, फिर आपको ट्रेनर किट पर लेके जाऊंगा। लेकिन इसके पहले अभी ये जो COVID-19 का सिचुएशन चल रहा है, अगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो ही घर से बाहर निकलिए, नहीं तो आप घर पे ही बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी के लिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है और लॉजिक और यहाँ पे लिखा है एंड लॉजिक, दोनों की भी सर्किट डायग्राम ड्रॉ किए हैं। पहले जाते हैं और लॉजिक की तरफ कि यहाँ पे एक आपका 3/2 DC वॉल है, पुश बटन ऑपरेटेड। यहाँ पे भी एक 3/2 DC भी है आपका। यहाँ पे मैंने कंप्रेसर का सिंबल निकाला है। यहाँ पे शटल वॉल है, शटल वॉल मतलब ये आपका क्या होता है और वॉल होता है। उसके बाद यहाँ पे SSC निकाला है, स्प्रिंग रिटर्न। अभी होता क्या है मालूम है क्या, शटल वॉल का आपको पहले वर्किंग पता होना चाहिए कि शटल वॉल में क्या है। यहाँ पे एक सर्कुलर एलिमेंट है और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर कैविटीज है। अगर एयर यहाँ से आती है तो आपका ये जो सर्कुलर एलिमेंट है वो क्या होता है, एयर के वजह से यहाँ पे जाके रुक जाता है। ओके, और अगर एयर और फिर जो ये इनपुट का एयर है वो क्या होता है, यहाँ से आपको आउटपुट बोल के मिलता है। मतलब आपके पास क्या है, दो इनपुट है यहाँ पे। ठीक है, एयर यहाँ से आई तो सर्कुलर एलिमेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे जाता है और फिर वो यहाँ से आपका एयर का आउटपुट आपके सिलेंडर की तरफ जाता है। लेकिन अगर एयर यहाँ से नहीं आई, एयर यहाँ से आई है तो क्या होगा, आपका ये जो सर्कुलर एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन में चला जाएगा और आपका आउटपुट क्या होगा, यहाँ से आपके सिलेंडर की तरफ जाएगा। मतलब ये दो DCVS में से एक कौन सा भी आपने DCV ऑपरेट किया तो क्या हो जाएगा, आपका सिंगल एक्टिंग सिलेंडर क्या हो जाएगा, एक्चुएट हो जाएगा। सेम यहाँ पे क्या है, एंड लॉजिक है। एंड लॉजिक में क्या है, देखो यहाँ पे भी दो 3/2 DCV है आपके, एक और दो, और यहाँ पे एक वॉल है आपका, इसको आप क्या कहते हो, एंड वॉल। तो अभी देखो इसमें कैसा है, आप ये एक एच शेप जैसा आप एलिमेंट देख रहे हो उस, और यहाँ पे ये दो कैविटीज है। तो अभी कैसा होता है देखो, अगर मैंने खाली ये पुश बटन को प्रेस किया, प्रेस करने के बाद क्या हो जाएगा, अभी ये जो DCV है ये कंडीशन में, मतलब क्या है आपका कंप्रेसर P ऑफ है और एयर क्या हो रही है, A to R जा रही है। लेकिन मैं जैसे ही पुश बटन दबाता हूँ, ये कंप्रेसर कहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और एयर क्या होगी, यहाँ से आपके दो इनपुट है, ये जो एंड लॉजिक है ना, इसको भी कितने इनपुट है, दो इनपुट है और एक आउटपुट है। तो अभी एयर क्या हो रही है, यहाँ से जा रही है, लेकिन जैसे ही एयर इसके अंदर एंटर होगी तो क्या हो जाएगा, ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये दो वर्टिकल लाइन्स है ना, उसको जाके क्या हो जाएगा, वो स्टिक हो जाएगा और आपका जो आउटपुट है यहाँ से इधर नहीं जा पाएगा। मतलब आउटपुट की तरह आपकी एयर नहीं जाएगी। ठीक है, तो सेम अगर मैंने एयर का इनपुट इसको नहीं दिया, मैंने क्या किया अभी इसको एयर का इनपुट दिया, सॉरी इसको मैंने क्या किया, पुश बटन दबाया। पुश बटन दबाने के क्या बाद क्या हो जाएगा, इसको भी सेम एयर का कनेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अभी एयर क्या हो रही है, यहाँ से ये इनपुट में जा रही है, यहाँ ये इनपुट में जाने के बाद क्या हो जाएगा, सेम ये जो आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आउटपुट क्या होगा आपका, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आपको एंड लॉजिक में आउटपुट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, ये दोनों पुश बटन को क्या करना पड़ता है, एक ही साथ आपको क्या करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। तो आप अगर एक ही साथ प्रेस करोगे तो क्या होगा, एट अ सिंगल टाइम क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल प्रेशर बनेगा। इक्वल प्रेशर बनने के बाद क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट क्या होगा, यहाँ से एयर का आउटपुट क्या होगा, सिलेंडर की तरफ जाएगा और आपका सिलेंडर क्या हो जाएगा, एक्चुएट हो जाएगा। मतलब ये जो एच टाइप है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा और आपकी एयर क्या होगी, आउटपुट की तरफ जाएगी। ऐसा ये एंड लॉजिक था। इसको आप लो कॉस्ट ऑटोमेशन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे प्रेस मशीन है। प्रेस मशीन में क्या होता है, ऑपरेटर क्या करता है, पैरों से क्या करता है, पैर स्विच दबाता है और हाथ में आपके मशीन के अंदर क्या करता है, जॉब रखता है, हाथ निकालता है और पैर दबाने के बाद ऊपर का आपका रैम नीचे आके आपके जॉब को प्रेस करता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि ऑपरेटर
मशीन के अंदर जॉब रखने जाता है और पैर दबा देता है, और फिर क्या हो जाता है, रैम नीचे आके उसका हाथ उसके मशीन के अंदर आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना है कि ऑपरेटर ने जॉब रखने के बाद दोनों हाथों से बटन दबाने के बाद ही क्या होगा, वो रैम नीचे आएगा। इसको आप सेफ्टी सर्किट बोल के यूज़ कर सकते हो। ऐसा इसका टोटल थ्योरी था। इसमें क्या है कि आप कौन सा भी एक पुश बटन दबाओ, आपका SSC क्या हो जाएगा, एक्चुएट हो जाएगा। और इसमें क्या था, दोनों पुश बटन आपको क्या करना है, एक ही साथ दबाने तो ही क्या हो जाएगा, आपका SSC एक्चुएट हो जाएगा। ऐसा ये एंड और लॉजिक था। अभी मैं आपको ट्रेनर किट पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको डिटेल में समझाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे ट्रेनर किट पे हूँ। यहाँ पे दो 5x2 लीवर ऑपरेटेड DCV है, यहाँ पे 5x3 लीवर ऑपरेटेड DCV है। आप देख सकते हो यहाँ पे एंड गेट है और यहाँ पे और गेट है। जैसे मैंने बताया आपको कि एंड गेट को भी दो इनपुट रहेंगे, एक आउटपुट रहेगा, और गेट भी क्या है, दो इनपुट है और एक आपका आउटपुट है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये जो लाइन आ रही है आपकी FRL की है, FRL से डिस्ट्रीब्यूटर में आएगा एयर, फिर आप 3x2 में लोगे, और 3x2 से आप फिर एंड लॉजिक या और लॉजिक में लेके आपका SSC एक्टिवेट करोगे। पहले क्या कर लेते हैं, और जो लॉजिक है उसका कनेक्शन देख लेते हैं। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्शन में दो आपके जो DC वॉल है वहाँ पे लेके जाता हूँ। क्लियर, देखो डिस्ट्रीब्यूटर से एक कनेक्शन आया आपके DC वॉल के इनपुट को, दूसरा कनेक्शन आया DC वॉल के दूसरे इनपुट को। अभी मुझे क्या करना है कि इसका जो ये आउटपुट है, दो आउटपुट है ना, इसमें से यहाँ पे एक कनेक्ट करता हूँ और इसका कनेक्शन मैं क्या कर देता हूँ, एक इसके इनपुट को देता हूँ, और फिर उसके साथ ही इसका जो ये रहेगा मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मतलब एक DC वॉल का जो ए या बी पोर्ट है उसमें से एक पोर्ट मैंने क्या किया, इसकी और गेट के इनपुट को लगाया, और दूसरा जो DC वॉल का ए या बी था, जो दोनों में से एक मैंने क्या किया, यहाँ पे लगाया। तो ये दो पोर्ट क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये दोनों पोर्ट को क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। आपको पता है कैसे क्लोज करना है, मैं क्या करता हूँ उसको DC वॉल को दे देता हूँ या FCV को लगा देता हूँ उसको। जस्ट ये क्लोजिंग पर्पज़ के लिए मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे FCV में लगाया है। आपको उसको कन्फ्यूजन नहीं होना है उसके साथ। अभी इसका जो आउटपुट है मैं कहाँ पे दूंगा उसका आउटपुट, इसका आउटपुट और गेट का SSC को। अभी देखो वापस से एक बार सर्किट रिवाइज कर देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर से एक कनेक्शन आया, मैंने क्या कहाँ पे दिया, एक DC वॉल के इनपुट को। दूसरा कनेक्शन आया, वो कहाँ पे दिया, दूसरे DC वॉल के इनपुट को। फिर उसमें से जो दो वायर निकले मैंने क्या किए, उसको कहाँ पे कनेक्ट किया मैंने, देखो ये जो दो वायर्स थे मैंने और गेट के इनपुट को कनेक्ट किया, और इसका जो आउटपुट है मैंने SSC को कनेक्ट किया है। अभी मैं ये दोनों में से कौन सा भी एक सर्किट, एक DC वॉल्व अगर मैं ऑपरेट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, आपका ये SSC क्या हो जाएगा, एक्चुएट होता है। मैं अभी आपको वो ऑपरेट करके दिखाता हूँ। चलो दोस्तों मैं जल्दी से आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ये दोनों एक साथ ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओपन कर दिया। अभी देखो आप, मैं इसको ऑपरेट करता हूँ, ये ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अभी इसको ऑपरेट करता हूँ, मतलब मैं अगर दोनों DC वॉल में से कौन सा भी एक DC वॉल अगर ऑपरेट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ये SSC एक्चुएट हो रहा है। बस ये इतना सर्किट था। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको ये सेम और एंड लॉजिक के लिए दिखाता हूँ। बाकी का जो सर्किट रहा ना वो सेम रहा, जैसे यहाँ दो डिस्ट्रीब्यूटर से जो वायर आए थे वो मैंने दो DC वॉल के इनपुट को दिए थे, फिर दो DC वॉल से जो आउटपुट निकले थे मैंने क्या किए, जो पहले और गेट को दिए थे ना, अभी मैंने वो क्या किए, आपके एंड गेट को दिए है। आप देख सकते हैं दो एंड गेट के इनपुट है यहाँ पे, और एंड गेट का आउटपुट मैंने कहाँ पे क्या कनेक्ट किया है, SSU को कनेक्ट किया है। तो देखते हैं ये कैसे ऑपरेट होता है।
मैं ये दोनों भी डिस्ट्रीब्यूटर के कनेक्शन ओपन कर देता हूँ। अभी पहले मैं इसको ऑन कर देता हूँ, देखिए आप, मैं इसको ऑपरेट करने के बाद आपका SAC नहीं हो रहा है ऑन। इसको ऑपरेट करने के बाद अभी ये इसका ऑन कंडीशन है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अभी देखिए हो रहा है क्या ऑपरेट, ये नहीं हो रहा है। इसको देखिए हो रहा है ऑपरेट, नहीं। लेकिन अगर मैं ये दोनों वॉल का हूँ, मतलब एक ही साथ अगर उसको ऑपरेट करता हूँ, तो ये सिलेंडर देखिए अभी ऑन हो गया। मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों भी DC वॉल एट ए टाइम मुझे क्या करने पड़ेंगे, ऑन करने पड़ेंगे, तो ही क्या होगा आपका ये SAC ऑन होगा। अभी अगर मैं सिंगल ये करता हूँ तो नहीं होगा। हो रहा है क्या, नहीं। बस ये था आपका एंड लॉजिक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।